गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सम और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, कैसे हम लोग इसमें फाइंड करते हैं एमएस एक्सेल में, जो कि बहुत सिंपल है। आप लोग बस देखते जाओ इस वीडियो को। ठीक है, देखो, ये सबसे पहले आप लोग ऊपर में देख रहे हो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, ये सब सेल एड्रेस है, सेल का नाम लिखा हुआ है। अब जो किसी भी सेल को आप चूज करो, जैसे सी नंबर में हम लोग जाते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक करो। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब करना क्या है, जैसे कि आप लोग एक नंबर ले लो, यहाँ पे कीबोर्ड को प्रेस करते हैं, जैसे कि 4। ठीक है, अब हम लोग नीचे करो, ठीक है, 8 नीचे करो, 9 नीचे करो, 8। अब देखो सबका आपको सम करना है, तो आप पहले यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये कीबोर्ड आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग एक ई दिख रहा है, सबसे नीचे एक ई टाइप का बना हुआ है। ठीक है, या आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को रोटेट करोगे तो आपको M दिखेगा, और एक बार रोटेट करोगे तो W दिखेगा। ठीक है, तो इस की को आपको प्रेस करना है, तो जैसे प्रेस किए हो आपका यहाँ पर एवरेज मतलब 6 आपको 29 दिख रहा है, 6 नंबर वाले कॉलम में दिख रहा है, तो आपको पता चला कि ये हो गया सम आपका। ठीक है, अगर आपको एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखो इसको यहाँ से हम लोग पहले डिलीट कर लेते हैं। अब आप लोगों को देखना है ये 4 जो है वो किस रो में है और किस कॉलम में है। सी के ऊपर में देखो, सी मतलब ये जहाँ पे 4 लिखा हुआ है उसके ऊपर देखो क्या है, सी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसा करो, इक्वल टू का साइन दो, सबसे पहले तो आप लोग इक्वल टू देना ही पड़ेगा। अब आप लोग को लिखना होगा सम, तो आप लोग कीबोर्ड को प्रेस करो SUM। ठीक है, अब आप लोग को ब्रैकेट देना होगा, ब्रैकेट दिए तो आप लोग 4 नंबर देखो किस सेल में है, तो सी और 2, सी नंबर रो में और 2 नंबर कॉलम में। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करो सी और 2 को लिखें। अब हम लोग देखो जब डिवाइड करते हो, यानी कि जो रेशियो का साइन कौन सा होता है, ये वाला, तो ये दे देना है। ठीक है, अब कहाँ तक नंबर है आपका, तो सी 8 नंबर लास्ट नंबर, इसके अलावा तो कोई नंबर है नहीं, तो 8 देखो ये है 5 नंबर कॉलम में और सी नंबर रो में ही है, तो यहाँ पे लिखो आप लोग सी और क्या तक था 5 तक, तो आप लोग यहाँ पर 5 लिख दो। ठीक है, ओके, अब देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, अब ब्रैकेट से क्लोज कर, क्लोज कर दिए हम लोग। अब देखो इंटर का बटन आपको प्रेस करना है, तो आप लोग को सबसे नीचे यहाँ 1/2 लिखा हुआ उसके बगल में, उसके राइट साइड में एक एरो दिख रहा है, वो होता है इंटर, तो आप लोग इंटर को प्रेस करो। देखो वहाँ 29 आ गया, आया, इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। और एक और तरीका है ऐड करने का, देखो ऐसे इसका ऐड करना है, आप लोग सबसे पहले कीबोर्ड प्रेस करो, इक्वल टू का साइन लिखो, इक्वल टू तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, 4 प्लस फिर क्या है नंबर है 8 प्लस 9 प्लस 8, उसके बाद इंटर प्रेस कर दो, 29 आ गया। तो इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग पूरे को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो पूरे को सिलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन आया, क्लियर कर दो, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। जैसे सपोज यहाँ पर बहुत सारा बड़ा नंबर है आपको, जो कि 7000, ठीक है, -46 ये है। ठीक है, इसको इंटर प्रेस करो, कुछ नहीं आया, नहीं आया। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है आपको, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इक्वल टू देंगे। ठीक है, अब हम लोग 7, ठीक है, -4567 को प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, देखो आपका सब्ट्रैक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब बहुत ही सिंपल वे है जिससे आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो एमएस एक्सेल में। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखो इसको क्लियर करना है, सिलेक्ट करो और क्लियर करो, क्लियर। अब देखो हम लोग को होता है एक मैक्स फंक्शन एंड मीन फंक्शन। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम, जिसे आप लोग 4 लिखो, उसके बाद इंटर 6, इंटर 32, इंटर 58, इंटर 45, इंटर 700, देखो
अब आप लोग देख रहे हो 4, 6, 32, 58, 45, 7, 8, 9, 1, इसमें से कौन बड़ा है? सबसे बड़ा तो 9 वाला कॉलम में जो है 7, 8, 9, 1 वो बड़ा है, लेकिन आप लोगों को पता तो आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग चेक करना चाहते हो कि वो कैसे आता है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, पूरे को सिलेक्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मैक्स फंक्शन, मतलब मैक्सिमम है। आप लोग ऊपर में देखो जहाँ पे सम लिखा हुआ है, एवरेज लिखा हुआ, काउंट लिखा हुआ, उसको स्क्रॉल करो, देखो मैक्सिमम क्या है 7, 8, 9, 1 शो कर दिया। यहाँ मिनिमम क्या है 4 है, वो शो कर दिया, ठीक है। कितने नंबर टोटल हैं काउंट करने में, 6 आ रहे हैं, तो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है तो 6 आ रहे हैं। उसके बाद इसका एवरेज इतना आता है, ठीक है, सम इसका इतना आता है 8, 3, 8, 0, 3, 6, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसका मैक्स फंक्शन और मीन फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको इससे दिक्कत हो रहा है, फॉर्मूला का यूज करना चाहते हो, तो आप इसको डिलीट करो। देखो इक्वल टू, ठीक है, मैक्स फंक्शन, तो MAX, ठीक है, मैक्स, उसके बाद ब्रैकेट देना है आपको। अब नंबर वन, सबसे पहले नंबर स्टार्ट कहाँ से है, तो C4 से, C4, ठीक है, रेशियो का साइन दो। लास्ट नंबर कहाँ तक है, 8 नंबर तक है, तो आप लोग इंटर करो C और 8, उसके बाद इसको ब्रैकेट को क्लोज करो और इंटर प्रेस करो। देखो इक्वल यहाँ पे, ओ ब्रैकेट पहले से था, आप इसको इरेज कर दो, ये जो आप ब्रैकेट दिए हो इसको इरेज कर दो, ठीक है। देखो 58 आ गया, ठीक है, 58 आपका क्या है, मैक्सिमम फंक्शन है, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़े, आप लोग इसको रिवाइज करोगे, अच्छे से देखोगे, आप लोग क्लियर हो जाएगा। ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ओके, थैंक यू।